जल्दी आ जाओ, जल्दी बात कर लेना फोन आ रहा है। निकल जाइए सीधे। सर स्मार्ट सिटी के तहत अगर फील्ड कट रहे हैं तो अभी लगातार आप ज्ञापन दे रहे हो चंडीगढ़ के, क्या लगता है? हाँ, आज हम लोग अभी जो हमारी नई कमिश्नर मैडम आई हैं उनसे हम लोग मिले और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो इस बारे में कुछ सोचेंगी। तो हमने उनके सामने सारी चीज़ें रखी हैं कि हमारे शहर में जो फॉरेस्ट एरिया वो बहुत कम बचा है, 0.01% है, वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, गर्मी की ये स्थिति हो गई है पेड़ों को कटने से, पेड़ ये सारी चीज़ें बैलेंस रखते हैं, एयर पॉल्यूशन बहुत हो चुका है और उसके बावजूद भी अभी डेलापीर से एयरफोर्स रोड तक सैकड़ों पेड़ काटे जाने हैं, बदायूं रोड पर सैकड़ों पेड़ काटे जाने हैं और पिछले एक साल में हज़ारों पेड़ों को काटा जा चुका है। तो इस चीज़ पर सोचना चाहिए, जिन सड़कों पर ट्रैफिक बिल्कुल कम है वहाँ पर भी आप पेड़ों को काट रहे हैं, शहर के सारी ज़मीन को आप पक्का कर दे रहे हैं, पेड़ काटते हैं वहाँ टाइल्स लगा देते हैं, तो जो बारिश का पानी है वो कहाँ जाएगा? तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट है, फिर जो आप कंपनसेटरी जो फॉरेस्टेशन होना चाहिए कि एक पेड़ काटें आप तो 10 पेड़ लगाएं, उन 10 पेड़ों को किस तरह से लगाया जा रहा है, आप IBR रोड पर चले जाइए और आप देखेंगे कि नगर निगम ने जो अभी पेड़ लगाए हैं वो सूख चुके हैं। तो जो सरकारी वृक्षारोपण है जिसके ये दावा करते हैं कि हम 10 गुने पेड़ लगा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि 100 पेड़ में से भी शायद एक पेड़ मुश्किल से कटता हो, क्योंकि वृक्षारोपण जो सरकारी कार्यक्रम है वो सिर्फ एक फोटोग्राफिक कार्यक्रम है, आपने फोटो खिंचाया उसके बाद में ना उस पेड़ की केयर की जा रही है ना उस पेड़ को पानी दिया जा रहा है। IBR रोड पे आप चले जाइए, देख लीजिए अभी 15 दिन पहले नगर निगम ने पेड़ लगाए, तो अगर आप पेड़ों को काटते जाएंगे, लगाया नहीं जाएगा तो शहर किसी स्थिति में पहुँच जाएगा। तो ये हमने मैडम के सामने रखी चीज़ें, उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, देखिए कितना हो पाता है।